24 घंटे के अंदर हमला कर सकता है ईरान बदला लेने के लिए। हानिया की मौत का बदला लिया जा सकता है ईरान की ओर से। तेहरान में हुई थी इस्माइल हानिया की हत्या और उसी से ये जो जुड़ा हुआ बदला है ईरान ले सकता है। तो अगले जो 24 घंटे हैं वो काउंटडाउन वाले 24 घंटे होंगे, क्योंकि ईरान कभी भी किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। और अब आपको आइए बताते हैं आखिर क्यों अमेरिका इस वक्त सुपर एक्टिव मोड में आ चुका है। आपने वॉर रूम देखा जो बाइडेन का, और इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका क्यों बढ़ गई है, डिटेल में जानकारी देते हैं। संकेत क्या मिल रहे हैं? पहला संकेत, ईरान की राजधानी तेहरान में की गई हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या है। ये बहुत बड़ी घटना थी और उसके बाद से ही सनसनी मच गई, जिसके इंतकाम की कसम अब ईरान ने ले रखी है। वहीं दूसरा संकेत ये कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नान का बयान आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ईरान तनाव बढ़ाने के हक में नहीं, पर इसराइल को सजा देना जरूरी है। वहीं तीसरा संकेत क्या है? इसराइल स्ट्राइक से बेरूत में मारा गया हिजबुल्ला कमांडर फाउद शुकर, यानी एक के बाद एक ईरान को झटके लगे। चौतरफा वार सामने आया इसराइल की ओर से, चौतरफा हमले सामने आए। भले निशाने पर ईरान समर्थित हिजबुल्ला ही क्यों ना हो, लेकिन ये प्रॉक्सी है ईरान की, उसी के संकेत के आधार पर ही हमले होते हैं, जिसका बदला वो किसी भी वक्त अब ले सकता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मिसाइल लॉन्चर ले जा रहे हैं ईरान। अमेरिका का कहना है तनाव के बीच सैन्य अभ्यास कर रहा है ईरान। अमेरिका ने ये कहा है तनाव के बीच ये युद्धाभ्यास की कार्रवाई चल रही है, और ये एक तरह से मुल्कों को डराने की या दुनिया को डराने की कोशिश हो सकती है कि ईरान कभी भी बदला ले सकता है, अपनी तैयारियां दिखाता हुआ ईरान। तो अमेरिका कह रहा है इस युद्ध के आलम के बीच युद्धाभ्यास कर रहा है ईरान। इस युद्धाभ्यास के इससे जुड़ी हुई आपको और डिटेल में जानकारी देंगे, लेकिन अमेरिका की बहुत बड़ी टिप्पणी और प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन अमेरिका लगातार सुरक्षा कवच इसराइल को दे रहा है। अब अमेरिका क्या कह रहा है? ईरान की ओर से खतरे बड़े हैं तो दूसरी ओर अमेरिका भी सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हुआ है। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए, भूमध्य सागर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप और फ्रिगेट तैनात हैं। इनकी ताकत है समुद्री मार्ग से इसराइल पर हमले को रोक सकती है। वहीं इसके निशाने पर लेबनानी हिजबुल्ला और फिलिस्तीनी हमास के लड़ाके हैं। इसी तरह लाल सागर में ज्यादा सैनिक और जेट तैनात हैं। यहां ताकत F-22 सुपर हॉर्नेट मौजूद हैं। इनके निशाने पर हूती लड़ाके रहेंगे। तो जो दोनों मोर्चे हैं वो अमेरिका के खुले हुए। अदन की खाड़ी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ बैटलशिप लिंकन तैनात है। ताकत इसकी 7,500 सैनिक यहाँ पर, सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्चर निशाने पर ईरान समर्थित हूती लड़ाके हैं। तो सुमित, एक तरफ हमास, उससे तो इसराइल लगातार लड़ी रहा है, ये जंग चली रही है, और दूसरी तरफ हूती और हिजबुल्ला। लेकिन इन मोर्चों को कैसे मात देनी है, अलग अलग लेवल पे अमेरिका ने तैनाती की। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें निधि की प्रॉक्सी से तो लड़ा जा सकता है, प्रॉक्सीज को लगातार आप कह सकते हैं कि रोकने का काम अमेरिका और इसराइल कर सकता है, लेकिन अगर ईरान इस पूरी जंग में सामने आ जाता है तो निश्चित तौर पर ये जंग कई कदम आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ईरान इन्वॉल्व होगा बल्कि ईरान के पीछे जो बैकअप है, जिसको आप रशिया, आप चीन कह सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, वो भी लगातार तैयार हो जाएंगे। और यही कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कुछ ही देश लगातार इसमें शामिल होंगे, मिडिल ईस्ट के कई देश जिसमें सीरिया है, इराक है, इसमें ईरान है, और कई ऐसे देश भी हैं जो लगातार इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अमेरिका अभी भी कई जगहों पर इंगेज है। आप यूक्रेन और रशिया की वॉर देख रहे हैं, अभी भी लगातार साजो सामान अमेरिका भेज रहा है। वहीं ताइवान और चीन को लेकर भी लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में एक नया फ्रंट खोल देना, एक नए फ्रंट पर अमेरिका एंगेज नहीं होना चाहता। अमेरिका चाहता है कि ये जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए और इसराइल अपने ऑपरेशन गाजा के अंदर पूरे कर ले, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। ईरान जिस तरीके की तैयारियां कर रहा है, ईरान जिस तरीके से अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि ईरान कोई सरप्राइज अटैक करने की फिराक में है। ईरान कोई ऐसे अटैक करने की कोशिश में है जो ना सिर्फ आप कह सकते हैं इसराइल में, बल्कि इसराइल के कई इंस्टॉलेशन पर बाकी के देशों में भी किए जा सकते हैं। तो ऐसा बड़ा कंसर्न अमेरिका को लग रहा है, और यही वजह है कि देखिए अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी है, और अमेरिका अपनी लगातार इंटेलिजेंस एजेंसी को लगातार सतर्क करके रखे हुए कि कोई भी इनपुट लगातार ईरान की तरफ से मिले तो उसको साझा करे, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि इसराइल की एजेंसी से भी। बिल्कुल, आंख कान खोल के इस वक्त अमेरिका काम कर रहा है। बहुत बड़ी जानकारी सुमित दे रहे हैं, और अगर ये सरप्राइज अटैक होता है तो अमेरिका जवाब देने के लिए भी तैयार है।